बरेली में दंगा हो ही जाता, लेकिन योगी जब होते हैं तो सब ठीक हो जाता है। दंगा रुक जाता है, दंगाई कांप जाता है। शुक्रवार की रात जिस तरह जो कुछ हुआ, जिस तरह से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई और जिस तरह से उसे काबू किया गया, उससे तो यही लगता है। एक साल से मैं आप सब लोगों को देख रहा हूँ। आप सब लोगों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जितना अच्छा परिचय दिया है, आज इस पर क्यों कलंक लगाने वाला मात्रा क्यों कलंक लगा रहे हो? ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ कस्बा इस धरती पर अकेला कस्बा है क्या? ये बताइए, ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? यहाँ हिंदुस्तान का कानून नहीं चलता है क्या? हुआ क्या था बरेली में? दंगा कैसे रुक गया? किसने भड़काया? कौन दंगाई लेकर आया? सब बताएंगे, लेकिन शुक्रवार की रात माहौल गर्म कैसे हो गया? कैसे लगा कि बरेली में दंगा हो ही जाता? बरेली का शीशगढ़ इलाका 90% मुस्लिम डेमोग्राफी। शुक्रवार रात 10 बजे अचानक से हजारों मुस्लिम इकट्ठा हो गए और एक हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई कर। इनका आरोप था कि इस घर के रहने वाले 9वीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। हमारा जो अभी उस टाइम की लड़ाइयां जो थी वो एक कमेंट को लेकर के ही उन्होंने ये पास किया कि हमारे अल्लाह को इन्होंने गाली दी है, हम इनसे जान से मारना है, इसकी गर्दन काटनी है इस लड़के की। इस तरीके के उन्होंने मेरे बेटे के स्टाफ पे कमेंट किए हैं और वो कमेंट के मेरे पास स्क्रीन शॉट भी है। पुलिस को भी दिए हैं वो स्क्रीन शॉट किस तरीके से, और आज भी उनके पोस्ट आ रही है, मैसेज आ रहे हैं इधर उधर के, कोई मुजफ्फरनगर, कोई बरेली, हर तरीके से अब तो वायरल हो गई उसकी आईडी, उस पर वो डाल रहे हैं अपने कमेंट। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच क्या है, हुआ क्या है, वजह क्या है। भिड़ाई सबने हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई कर दी। जरा सोचिए, हजारों की दंगाई भीड़ आपके घर पर पहुंच जाए, बाहर से उत्तेजक नारे लगाए जाए, मारने काटने की धमकी दी जाए, पुलिस बेबस हो जाए, फिर उस पूरे परिवार की हालत क्या हो। लेकिन बरेली में ये हुआ है। किसी ने ऐसे ही नहीं मजहब को अफीम कहा है। अफीम ही तो है, जब दिमाग में घुस जाती है तो अच्छे बुरे का फर्क नहीं कर पाते। कहां का कानून, कहां की पुलिस, ऑन द स्पॉट इंसाफ मांग रही थी। ये भी दहशत का आलम किस कदर था कि हिंदू परिवार ने खौफ से घर की लाइटें बंद कर दी, घर के बाहर से ताला लगाकर अंदर बंद हो गया। जो लोग थे वो सीधे हमारे घर की तरफ हमला बोल रहे थे, घुस रहे थे हमारे घर, पुलिस उन्हें रोक रही थी लेकिन रोक नहीं पा रहे थे, सीधे घर की तरफ अटैक कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे और नारे लगा रहे थे चीख चीख के, और घर के अंदर पूरी ताकत मारने का प्लान था उन लोगों को हमारे घर में, जिस तरीके से वो हमारे घर की तरफ घुस रहे थे। कैसा माहौल था आप लोगों का, कैसे बचाव किया आप लोगों ने अपना, सामने हजारों की भीड़ थी। हमने अपना गेट बंद करके अंदर बंद हो गए थे, पुलिस वाले बोले आप अपने आप को बंद कर लो, तो हमने अपने घर के अंदर बंद हो गए थे और घर से कैमरे में जो हमारा वो है टीवी में, मतलब जो LCD लगी हुई है उसमें देख रहे थे हम बाहर का क्या माहौल है। आप पहचानते हैं कि कौन लोग थे, कितने? कुछ लोगों को पहचानते हैं? सारे लोगों को पहचानते हैं छत्तीसगढ़ के, हम छत्तीसगढ़ के यहाँ के रहने वाले हैं तो लोगों को पहचानेंगे ही, हम बहुत सारे लोग उसमें पहचानने वाले थे। सुना ना आपने किस कदर दहशत में थे ये लोग। अगर इनके बच्चे ने कोई विवादित टिप्पणी की है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाई है, तो इसके लिए कानून है ना, पुलिस है ना। लेकिन जब नफरत भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेती है तो ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। वो तो अच्छी बात ये रही कि बरेली पुलिस अलर्ट पर थी। शीशगंज के CO साहब को सुनिए, समझ जाएंगे। कानून अपने हाथ में कोई नहीं लेगा, जिसने गलती की है कानून उसको सजा देगा, सजा दिलाना मेरा काम है और मैं आपकी आंखों में आगे डाल के हर एक की कहता हूँ। लब्बैक लब्बैक के नारे लगते रहे, रात 2 बजे तक दंगाई हंगामा करते रहे। दंगाई पुलिस से भी भिड़ गए। इस मामले में 5 FIR दर्ज हुई। पुलिस की तरफ से जो FIR लिखी गई है
उसमें आरोप लगा है कि दंगाई हिंदू परिवार के घर पर तोड़फोड़ करने को आमादा थे, गालियां देने के साथ साथ पत्थरों से उस घर पर हमला शुरू कर दिया। खा रहा हूं कि इस घर के अंदर में जो लोग थे वो हजारों लोगों की भीड़ में कैसे सुरक्षित रह पाए। ये वो फैमिली है और उनका ये मकान है। इस फैमिली का ये कहना है कि सामने जब हजारों लोगों की भीड़ पहुंच गई थी, इन्होंने गेट बंद कर दिया था। सबसे पहला गेट ये है, इसको इन्होंने बंद किया और इसके बाद ये पूरा इलाका आप खाली देख सकते हैं। जो पत्थरबाजी की जा रही थी भीड़ के द्वारा वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ था, उसको पुलिस प्रशासन ने यहाँ से हटाया, ये साफ कर दिया गया है, आपको वो नजर नहीं आएगा। इसके बाद पहले गेट क्रॉस करने के बाद आप दूसरे गेट को देख सकते हैं, इस गेट को भी बंद किया गया था कि उन्मादी भीड़ किसी भी तरह से घर के अंदर प्रवेश ना करें। और इसके पीछे जो एक गेट है वो तीनों गेट बंद कर दिया गया था, तब जाके कहीं सुरक्षा हो पाई थी। और इस फैमिली में 8-9 बच्चे हैं, जिसमें से 5 बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, एक बुजुर्ग महिला है, एक बुजुर्ग पुरुष है और 3 पुरुष और 3 महिलाएं, कुल इतने लोग हैं। और 3 से 4 घंटे तक इनकी जो जान थी वो आफत में अटकी हुई थी। पुलिस जब रोकने आई तो उस पर भी हमला किया गया। पुलिस ने देर रात कार्रवाई कर 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है और कुछ आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। बरेली पुलिस चौकन्नी थी, वरना दंगा तय था। लेकिन कुछ सवाल हैं जो परेशान करने वाले हैं। मसलन, क्या बरेली में दंगा कराने की साजिश हो रही है? चौथी बार बरेली में क्यों हुआ हिंदू मुसलमान? बरेली को आग लगाने वाला ऑपरेटर कौन है? बरेली में दंगा करने का प्लान कैसे बनाया गया? कैसे लोगों ने अपने बच्चों का इस्तेमाल किया? कैसे भड़काऊ ऑडियो जारी करवा दिया गया? दंगा प्लान के पीछे सियासत है या मौलाना ब्रिगेड? क्या योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश हुई? क्यों कहा जा रहा है कि बरेली में दंगा कराने की साजिश हो रही है? उसकी वजह है, बरेली में पिछले 1 महीने में हिंदू मुसलमानों के बीच कई विवाद हुए। 23 जुलाई को जोगी नवादा में कावड़ियों पर पथराव, 24 जुलाई को पुलिस के मना करने के बाद कावड़ियों के द्वारा शाहीनूरी मस्जिद के सामने से यात्रा निकाली गई। 30 जुलाई को कांवड़ियों ने हंगामा किया, गोली चलाने की घटना के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और अब 18 अगस्त की रात में शीशगढ़ में हंगामा हुआ। खैर मनाइए योगी की पुलिस की, बरेली की पुलिस की, जो दंगे की हर कोशिश को नाकाम कर दिया। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी नफरत भड़काने की कोशिश की उसे शांत किया गया। क्या लग रहा है, प्रशासन का भय कम हो रहा है क्या यहाँ पे? इस तरह से अचानक इतने लोग आ जाएं, मजमा लगा दें, आप लोगों को मशक्कत करनी पड़े? जब इस प्रकार की कभी कभी टिप्पणियां होती हैं तो लोग आक्रोशित होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है, आप बिल्कुल, आपकी सारी नॉलेज में है कि लगभग 3 दर्जन व्यक्तियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और वीडियो फुटेज के आधार पर आज 14 लोगों को हम लोगों ने जेल भेजा है। काफी लोग केवल दूसरे के बहकावे में भी आ जाते हैं, कुछ लोग स्वतः पहुंच जाते हैं, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि वहां पर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पुलिस ने अपनी सक्रियता से या प्रशासन ने अपनी सक्रियता से नहीं होने दी है, जो इस बात का उदाहरण है कि प्रशासन पूरी मजबूती के साथ वहां काम कर रहा है और जिन्होंने भी ये गलती की है उन पर हम लोग मुकम्मल कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन शीशगढ़ का जो पैटर्न सामने आया है वो बरेली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। बात बच्चों से शुरू हुई और लब्बैक लब्बैक तक पहुंच गई। शीशगढ़ इलाके में एक ही क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों के बीच का विवाद था। ये दोनों लड़के नाबालिग हैं, एक हिंदू है और एक मुसलमान। आरोप है कि मुस्लिम बच्चे ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में एक विवादित टिप्पणी का ऑडियो अपने हिंदू साथी को सुनाया, जिसके जवाब में हिंदू लड़के ने इंस्टाग्राम पर विवादित टिप्पणी कर दी। हिंदू लड़के के इंस्टाग्राम से वो विवादित पोस्ट वायरल कर दी गई, जिसके बाद शीशगढ़ में हंगामा शुरू हो गया। लेकिन सवाल है कि जो काम पुलिस और कानून को करना था उसकी जगह आग लगाने या फिर खुद सजा देने की कोशिश क्यों की गई? 13-14 साल के बच्चे के भीतर किसी भी धर्म के प्रति नफरत का लेसन किसने दिया? क्या बच्चों को घर में दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत सिखाई गई? दूसरे धर्म के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी गई? कौन है वो नाबालिग जिसने सबसे पहले विवादित ऑडियो भेजा था, जिसके जवाब में हिंदू नाबालिग ने विवादित पोस्ट किया? फिलहाल दोनों को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है। लेकिन एक आरोप तो ये भी लग रहा है कि बरेली को सुलगाने के पीछे
योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश की गई और इन दो तस्वीरों को सामने लाया गया। एक तस्वीर में मुस्लिम नाबालिग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ खड़ा है और दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी की ड्रेस पहनी हुई है। सवाल है कि समाजवादी पार्टी से इसका क्या कनेक्शन है। दरअसल नाबालिग के चाचा समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व चेयरमैन हाजी गुड्डू हैं और इसी कनेक्शन के बाद सियासी साजिश के आरोप लग रहे हैं। हालांकि जब यही सवाल हाजी गुड्डू से पूछा गया तो उन्होंने इन बातों से इनकार कर दिया और ये बात बताई। ये बात सही है कि दो बच्चे थे जिसमें अभी आपने कहा कि मेरे भाई का बेटा, तो वो और दोनों बच्चे चौथी क्लास से एक साथ पढ़ते हैं, आज नौवीं क्लास में है। लोटस एकेडमी में एक स्कूल प्राइवेट है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ते हैं। वो परिवार और मेरा परिवार, गुप्ता जी का परिवार, मेरा परिवार, कस्बे का हर समाज का व्यक्ति जानता है कि बहुत जमाने से, मेरे स्वर्गीय पिताजी के जमाने से एक हम बड़े क्लोज परिवार के हिस्से हैं। उनके यहाँ कोई काम ऐसा नहीं होता है जिसमें हमें दावत ना दी जाती हो और हमारे यहाँ कोई ऐसा कार्य नहीं होता जिसमें वो अपनी उपस्थिति या दावत ना हम उनकी करते हो। आना जाना क्लोज है। वही इन दो बच्चों में भी प्यार था उसी परिवार की वजह से, और इतना प्यार था कि पर्सनल चैट इनकी, दोनों बच्चे नादानी में क्या कर रहे हैं, ना उनके परिवार को पता था ना हमारे परिवार को पता था, लेकिन उन्हीं दोनों बच्चों की पर्सनल चैट इंस्टाग्राम से जो जानकारी हुई किसी थर्ड पर्सन ने वायरल किया, और वो भी दो दिन पहले किया, लेकिन शुक्रवार वाले दिन 7 बजे वो वायरल चीज का एक्शन क्यों हुआ, यही प्रश्न है। सीजगढ़ में कोई राजनीतिक पार्टी या दल की कोई बात नहीं है। मैं 2006 से मैं स्वयं चेयरमैन बना, 2012 में तक, 2012 से 17 तक फिर मुझे जनता ने यहां से चुनाव जिताया। 17 में पत्नी चुनाव लड़ी थी, हर गई थी, इस बार फिर पत्नी चुनाव लड़ी, फिर जनता ने निर्दलीय उनको जिताया। तो मैं तो यहां पर 3 बार कार्यकाल कर रहा हूं। इस कार्यकाल में सीजगढ़ की हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के ही प्यार से जिम्मेदारी देकर के हम लोगों को जो है यहाँ पे चुनाव जिताया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना मुझे मुस्लिम समुदाय का साथ मिलता है राजनीति में, चाहे किसी समाज कार्य में। अगर ये सब सही है तो फिर अचानक से कैसे आ गई हजारों की भीड़ ने कैसे कर दी हिंदू परिवार के घर पर चढ़ाई? भीड़ आई तो उसको रोका क्यों नहीं गया? तो फिर बरेली को आग लगाने वाला ऑपरेटर कौन है? पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 बच्चे बाल सुधार गृह भेज दिए गए हैं और 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस भीड़ को ऑपरेट कर रहे थे। पूरे मामले में एक ये आरोप लग रहा है कि कहीं राजनीतिक साजिश तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को मोहरा बनाया गया है इसके लिए? अभी तक के तफ्तीश में ये कुछ सामने आया है क्या सर? अभी तक की तफ्तीश में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हम लोगों की अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं आया है, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। जो भी सीसीटीवी की फुटेज है, जो भी हमारे पास वीडियोज हैं, आप मीडिया के लोगों के सहयोग से जो भी चीजें हमें उपलब्ध हो रही हैं, आम आदमी जो हमें उपलब्ध करा रहा है, जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा जो हम टावर डंप है या जो हमारी व्यक्ति विशेष जिसपे हमें शक है उसके सीडीआर वगैरह का भी हम विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें अगर इस किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी पाई जाएगी तो उस पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करवाएंगे। शीशगढ़ विवाद को कुछ लोग इसे बच्चों का झगड़ा बता रहे हैं। उनसे भी सवाल है, अगर ये सिर्फ बच्चों का झगड़ा है तो हजारों की भीड़ कैसे आ गई? क्यों भड़काऊ नारे लगाने लगी? क्यों ये भीड़ मारने को उतारू हो गई?